ओके बच्चों, हम बात करते हैं गेल उस्कला की, ठीक है। तो ये क्या, गेल उसके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इस लॉ को दिया। उन्होंने कहा कि डिफरेंट गैसेस एक साथ कंबाइन करती हैं और कंबाइन करके हमें थर्ड गैस मिलती है, ठीक है, वो जिसका रेशियो क्या होता है, होल नंबर रेशियो होता है। जैसे हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को कंबाइन किया तो हमें क्या मिला, हाइड्रोक्लोरीन गैस, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है पर गैसियस फॉर्म के अंदर है। वॉल्यूम कितना है, वन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आप कहोगे सर मॉलिक्यूल एटम इनमें क्या डिफरेंस, मैंने पहले भी पढ़ाया, एटम मिलके क्या बनाते हैं, एलिमेंट मिलके क्या बनाएंगे, कंपाउंड, ठीक है, मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो सेम अगर एलिमेंट कंबाइन करते हैं, जैसे हाइड्रोजन कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। दो ही स्टेट में एलिमेंट हमें मिलते हैं, फ्री और कंबाइंड, ओके। फ्री स्टेट में हाइड्रोजन नहीं एग्जिस्ट करता, हमेशा डायटोमिक फॉर्म में मिलेगा H2। आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ, मैंने वहां पढ़ाया हुआ आपको। सो क्लोरीन की बात करें तो Cl2, ओके। तो यहां पे क्या हो गया, कंबाइंड स्टेट, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन कर गए और हमारे पास तीसरी गैस निकल के आ गई, हाइड्रोक्लोरीन गैस, ओके। दिस लॉ वाज बेसिकली ड्राइव फ्रॉम बर्जीलियस हाइपोथेसिस। इसको हाइपोथेसिस क्यों कहा गया, जरा समझते हैं, इसको लॉ क्यों नहीं कहा गया। बर्जीलियस जानते हो, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, जैसे सिंबल्स दिए हमें एलिमेंट के, उनको बर्जीलियस ने दिए थे हमें सिंबल, हाइड्रोजन का H होगा, सोडियम का Na होगा, तो ये सारे किसने दिए, बर्जीलियस ने। हाइपोथेसिस कहा गया इसको, ला नहीं कहा गया। क्यों, इसने क्या कहा, जो एटॉमिक एटम है वो हमेशा कंबाइन करेंगे और हमें मॉलिक्यूल देंगे। एटॉमिक एटम कहने का मतलब फ्रैक्शन, ठीक है, हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 HCl दे दिया, ओके। पर ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रोजन हमेशा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एज ए मॉलिक्यूल H2, ओके। H की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये तो कह रहा है H की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नहीं, H की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, करता है H2 की फॉर्म के अंदर। तो कहने का मतलब कि हम हाफ H2 लिखेंगे तो इसे क्या कहेंगे, रोम, ठीक है। तो इसको लॉ नहीं कहा गया, इसको क्या कहा गया, हाइपोथेसिस, क्योंकि अपने चीजों को, अपनी बात को प्रूव नहीं कर पाया। हाइपोथेसिस का मतलब होता है हमने कह दिया पर एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया, गेल उस्कला उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। दैट्स व्हाई दिस लॉ इज नोन एज गे-लुसेक लॉ, जिसने कहा दो गैसेस कंबाइन करती है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं और हमें थर्ड प्रोडक्ट की फॉर्म में गैस मिल जाती है एज ए होल नंबर रेशियो। सो थैंक यू वेरी मच, दिस ऑल आर द लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आपको अच्छे से लॉ पढ़ने, इनमें से दो या एक पेपर में पक्का आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू, बाय।